इनकी आपस की व्यवसायिक लड़ाई थी, लेकिन यहाँ पे मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने जिस प्रकार के जिला सिरमौर के लोगों को धमकियां देनी शुरू की है कि जिला सिरमौर के कोई भी लोग यहाँ पे काम नहीं करेंगे, ये बहुत ही निंदनीय है। हम सब इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए। के स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है, एक मंत्री पूरे दंगे भड़काने में लगा है। क्या वो हमारा मंत्री नहीं है? दो जिले भड़का रहा है, क्या वो हमारा मंत्री नहीं है? क्या उसने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ नहीं ली है? तो इसलिए हमारा आग्रह है आप लोगों से, आने वाले समय में यदि ये मुद्दा इसी तरह गरमाया जाए, सिरमौर के लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने मजदूर भाइयों के साथ है तन मन धन से। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। पिछले कल हमें डराया जाता है और हमारे हिमाचल के मंत्री, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप पूरे हिमाचल के मंत्री हैं। अनिरुद्ध तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, काम करो। अनिरुद्ध की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अनिरुद्ध की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सिरमौर के लोगों ने भी आपका साथ दिया है और उन्हीं सिरमौर के लोगों के विपक्ष में आप बात रखते हैं। इस चीज से हम डरने वाले नहीं है। बताया गया कि सिरमौर के लोग यहाँ पर गुंडागिर्दी कर रहे हैं, उनकी वीडियोग्राफी हमारे पास है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से हमारे लोगों को शिमला में मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, जो वीडियोग्राफी पूरे मीडिया के अंदर जा रही है, क्या उसके बारे में आपने एक शब्द भी कहा? अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं एसपी साहब और डीसी साहब को निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये परिस्थितियाँ, छत्रवाद का जो नारा लगाया जा रहा है, हमारे लोगों के साथ गलत किया जा रहा है, उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। अरे मैं सभी लोगों का फिर से एक बार दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपने बच्चों को यहाँ पर प्रणाम करता हूँ। Nice!
कार्रवाई